ओम शांति। आज की मुरली है 25 जून 1977 और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। आज की मुरली को समझने के लिए हमें खास एकाग्रता से सुनना होगा, क्योंकि बाबा ने कुछ ऐसे गहरे पॉइंट्स बताए हैं जो हमने सुने बहुत बार हैं लेकिन समझे नहीं हैं। उनको समझने के लिए एक्स्ट्रा अटेंशन की आवश्यकता है। और बाबा ने इस टॉपिक गहरे टॉपिक को इजी करने के लिए हमें मुख्य 8 बातें बताई हैं। उन 8 बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये हम समझ पाएंगे कि पवित्रता की संपूर्ण गहरी स्टेज क्या है। और बाबा ने इसको ऐसे भी कहा कि संपूर्ण ईमानदार, संपूर्ण जो ऑनेस्ट आत्मा है वही पवित्र आत्मा है। यानी बाबा ने कहा है जो ऑनेस्ट है वही होलीएस्ट है। तो ये शब्द ऐसा है जो हमने बहुत बार सुना है अपनी लाइफ में कि ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और जो दिव्य गुण है देवताओं के उसमें भी ऑनेस्टी को हम एक काउंट करते हैं। लेकिन इसका क्या गहरा मीनिंग है वो शायद कभी भी सोचा नहीं है। तो कितना गहरा मीनिंग है इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बाबा ने कहा जो 8 बातें हैं उसमें से हम सेकंड बात को पहले लेते हैं। तो आप सोचना, बाबा ने कहा कि ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं तो उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। ये कितनी गहरी बात है कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हमें मिले हैं, चाहे वो समय है, वाणी की शक्ति है, कर्म है, श्वास है और संकल्प है, तो ये सारे ही सूक्ष्म खजाने हैं। इनको हमें एक भी सेकंड और एक भी थॉट श्रीमत के अगेंस्ट ना हो, डायरेक्शन के अगेंस्ट ना हो, ये बहुत गहरी धारणाएं हैं। और क्यों ये ईमानदारी नहीं है? क्योंकि ये सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण की सेवा अर्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो ये अमानत में ख्यानत करना है। इसीलिए सबसे बड़ी से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। तो पूरी मुरली में सिर्फ हम इस एक पॉइंट पे भी गहराई में हम जाते जाएं कि जो कुछ हमें मिला है वो प्रभु की अमानत है, और उस अमानत को अगर हम किसी भी ऐसी तरह से यूज़ करते हैं जो कि श्रीमत के साथ सिंक नहीं है या अलाइनमेंट में नहीं है तो वो सारा हमारा ईमानदारी में काउंट नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है। और इस तरह से देखा जाए तो हम में से कोई भी अभी भी शायद संपूर्ण ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा बहुत समय, बहुत बातें, बहुत सारा कर्म, श्वास, संकल्प, चाहे परमत के कारण चाहे संग दोष के कारण व्यर्थ चला ही जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि बाबा ने एक ही पॉइंट में इतनी गहरी बातें बताई हैं तो बाकी पॉइंट्स कितने गहरे होंगे। तो बाकी पॉइंट्स को भी हम टच करते हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथाशक्ति ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार, सच्चे दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार हैं। तो ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार हैं। तो बाबा ने जो 8 बातें बताई हैं, पहली बात देखते हैं, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा।
होलीस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई, तो ऐसी सच्ची दिल वाले दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। ये बहुत गहरा पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ शब्दों के माध्यम से इन बातों को समझा नहीं जा सकता। जब तक हम उस स्थिति में स्थित ना हो जाएं, तब तक हम इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो ऑनेस्ट मतलब कितने ईमानदार हम बाबा से हैं, कितने सच्चे हैं, इस बात से डिसाइड होता है कि हम कितने होली हैं। तो अभी तीसरे पॉइंट पे आएंगे। ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। ये अलग अलग हमें सारे पॉइंट पता होते हैं, लेकिन बाबा जिस तरीके से, जिस अरेंजमेंट से ये बाबा शब्द यूज करते हैं वो काफी डिफरेंट होता है। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात ऑनेस्टी का तीसरा बात है सबके प्रति शुभ भावना, वो भी सदा और सदा श्रेष्ठ कामना। फोर्थ पॉइंट है ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल द्वारा व कर्म द्वारा सदा निमित्त निर्माण होंगे। और फिफ्थ पॉइंट है ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो। ये भी काफी गहरा पॉइंट है, हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो। नेक्स्ट, हाँ इसी में है, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग का हाथ अनुभव हो। और सिक्स्थ पॉइंट है कि ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। ये कितनी अच्छी बात है। ये सेवन्थ पॉइंट है ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, तो वैसे बच्चे जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। तो ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है। वैसे भी दुनिया में अगर हम देखें, अगर हम किसी के साथ सच्चे नहीं होते, हम अपने आप को वैसा दिखाते हैं जैसे हम नहीं हैं, तो कितना हम ऐसे दिखाते दिखाते खुद थक जाएंगे, बुद्धि पे कितना बोझ रहेगा। लेकिन जहां हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, सच्चे रहते हैं तो हम हल्के रहते हैं। ऐसे ही बाबा के साथ भी अगर हम सच्चे हैं तो बुद्धि के ऊपर जो बोझ है उसको समाप्त करने की सरल युक्ति है। तो स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है, स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। ये काफी गहरा पॉइंट है, स्पष्टता से श्रेष्ठता। लेकिन करते क्या हो, कुछ बताते कुछ छिपाते हैं। तो ये बाबा काफी हमारा डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस बाबा ने हमारा किया है यहाँ। तो क्या करते हैं हम, बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन की प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पे। चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। तो हम कैसे पेश करते हैं, अपना केस सजा धजा कर मनमत और श्रीमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर, ये हम इतनी चतुराई करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ, चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने की रिजल्ट क्या होती है। तो कोशिश तो करते हैं हम, लेकिन बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। क्योंकि अगर बाबा कह दें डायरेक्टली कि तुमने तो ये ऐसे ऐसे बुलाया और तुम्हारी सच्चाई मुझे पता है, तो वो आत्मा शायद इस बात को सहन ना कर पाए और सामना ना कर पाए। तो इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। ये भी एक बहुत गहरी बात है। कई बार हम समझते हैं कि बाबा ने इस बात को कैसे मान लिया, बाबा क्यों राजी हो गए,
लेकिन राज से राजी होना और दिल से राजी करना फ़र्क है। बनने चतुर जाते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। है जन्म जन्म की हार लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सयाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। ये कितनी हमारे लिए आँख खोलने वाली बात है। हम समझते हैं कि हमने होशियारी कर ली, अपना फ़ायदा कर लिया किसी बात में किसी तरीके से। बाबा को भी हमने झूठ मूठ कुछ बता दिया, लेकिन जन्म जन्म की हार है। हम ये कॉन्ट्रास्ट समझ नहीं पाते कि एक जन्म में भी अल्पकाल की प्राप्ति और पूरे कल्प भर की प्राप्ति कितना फ़र्क है। तो बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदाकाल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। कोशिश करते हैं समझदारी की, लेकिन अपना ही अकल्याण कर लेते हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। तो ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बात, हाँ ये 8th पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान का जो मुख्य फर्क है वो यही है। आपका फाउंडेशन कोई ध्यान, दीदार, साक्षात्कार या कोई चमत्कार हो गया, कोई प्राप्ति हो गई, वैसी चीज़ें नहीं। ज्ञान माना कि हमारा जीवन अनुभव के आधार पर, हर बात का अनुभव और हर बात की प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन। तो ऐसा ना हो कि बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। तो अभी ऐसा समय है, बहुत बातें ऐसी आ सकती हैं कि बात बदलेगी तो फाउंडेशन बदल जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा कमज़ोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल बताया इसका, और काफ़ी गहरा एग्जाम्पल है ये भी। जैसे आजकल एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं, कहते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अभी तो ज़्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसीलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। तो एक चतुराई क्या करते हैं, बाबा के ही आर्ग्यूमेंट बाबा के अगेंस्ट यूज करते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म की पवित्रता हद का संन्यास है। अगर हमने सिर्फ एक जन्म तक पवित्रता अपनाई है, वो भी इस कारण कि हमें एक जन्म की प्राप्ति होगी, ये भी बावन का हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। तो बाप दादा ने पवित्रता के लिए कभी समय की सीमा दी थी क्या? तो स्लोगन में भी यही लिखते हो ना कि बाप से सदाकाल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। तो समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? एक्चुअली ये तो पवित्रता है भी नहीं, ये तो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल से हुई। तो इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति, ये हमारा फाउंडेशन होना चाहिए। तो ऑनेस्ट बच्चों के ये लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। तो समझा ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, तो ऐसी सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को धन्यवाद और नमस्ते। तो अभी हम इन कुछ मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। हमने मुख्य पॉइंट आज बाद में रिवाइज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पहले रिवाइज करते तो शायद उतना समझ में नहीं आते, क्योंकि काफ़ी इनडायरेक्ट पॉइंट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो बाबा ने कहा ऑनेस्ट और होलीएस्ट, इन दोनों बातों का कनेक्शन है। फिर प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई, जितने सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, उतनी ही प्योरिटी की बात आगे बढ़ेगी। फिर बाबा ने कहा कि मुख्य बात यह चेक करना है कि समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प,
ये शब्द श्रीमद के अकॉर्डिंग हो, अगर एक भी संकल्प, एक भी सेकंड, एक भी श्वास श्रीमद के बाहर जाता है तो वो फिर ऑनेस्ट नहीं है। तो ये बहुत गहराई है इस बात की। दूसरी बात इसमें है कि ऑनेस्ट अर्थात सदा सर्व के प्रति शुभ भावना और सबके प्रति श्रेष्ठ कामना और सदा निमित्त और निर्माण समर्थ स्थिति का अनुभव और हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव। तो ये दोनों ही स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना है और स्पष्टता से ही श्रेष्ठता आएगी। और चतुराई जब करते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते कि जन्म जन्म की हार हमारी हो रही है। तो ऐसा नहीं करना है। फिर है हमारे हमारे जीवन का फाउंडेशन अनुभव हो और प्राप्ति हो, ना कि कोई अल्पकाल की छोटी मोटी बातें। और लास्ट में बाबा ने कहा कि चतुराई ऐसी करते हैं कि खुद को निर्दोष बताते हैं और खुदा को दोषी बना देते हैं। ऐसा करके ही हम अपना ही अकल्याण करते हैं तो वो तो सही बात नहीं है। तो काफ़ी गहरे पॉइंट्स हमने समझे और मुख्य अभ्यास हमें यही करना है कि जो भी मिला है जीवन में, वैसे भी बाबा कहते हैं तुम्हारा ये मर्जी व जन्म है, अर्थात तुम्हारे जो जन्म मिला था पहले वो अपने हिसाब से तुम कंप्लीट कर चुके हो। अभी तुम्हें जो समय मिला है ये ईश्वरीय कार्य के निमित्त मिला है। तो इस समय जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, समय, संकल्प, श्वास, वाणी, कर्म, वट एवर यू हैव, दिस इज़ ऑल फॉर गॉडली सर्विस। एक भी चीज़ तुम्हें जो दी गई है अगर तुमने कहीं और यूज़ की मनमत के कारण या संग दोष के कारण, तो वो फिर क्या होगा? पवित्रता की स्टेज नहीं गाई जाएगी। बाबा ने यह संग दोष को भी काफ़ी स्पेसिफिक यूज़ किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम समझते भी हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन संग दोष के कारण हम कुछ कुछ ऐसा कर लेते हैं कि फिर हम श्रीमत की लकीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा संग ऐसा हो, हमारे साथी ऐसे हों जिनके साथ हम निरंतर चढ़ती कला का अनुभव करें। तो बाबा ने जो भी आज बताया तो हमें ये संकल्प करना है कि ऑनेस्टी की इन आठों बातों को धारण करने वाली मैं एक संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, सदा समर्थ स्थिति का अनुभव करने वाली, हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करने वाली, सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने वाली, सदा निमित्त और निर्माण बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाली और अनुभव के आधार पे, प्राप्ति के आधार पे अपने जीवन का फाउंडेशन बनाने वाली, बाप दादा के अधिक नज़दीक और उनके सदा साथ का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति।